गुड मॉर्निंग, स्वागत है फिजिक्स के फंडे चैनल में। आज का जो क्वेश्चन है कि सॉल्व द इक्वेशन ऑफ, सो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इस इक्वेशन के लिए क्या है, ये क्वेश्चन आपको एमयू एंट्रेंस में या 11th एंट्रेंस में डिप्लोमा में एयरफोर्स अग्निवीर या ऐसे भी बेसिक अपना जो लोग मेडिकल नीट की तैयारी है उसको मैथ सॉल्यूशन करने के लिए क्लास 8-9 के लिए हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, दो तरीका बताएंगे, एक शॉर्टकट वाला और जो अग्निवीर और एयरफोर्स के लिए, दूसरा क्या एक लॉन्ग कट सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व, 2 to the power 3x इंटू 7x-2 इक्वल टू 4x+1, यही है ना। इसको हम क्या 4 को लिख सकते हैं 2 square, तो 2 square मीन्स 2 into 2 4 होता है, 2 to the power 3x इंटू 7 to the power x-2 4 to the power x, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 to the square x+1 2 to the power 3x 7 to the power x-2 यहाँ पे क्या आएगा आपका 2 to the power 2x+1 2 to the power 3x यहाँ मल्टीप्लाई 3x 7x-2 यहाँ पे क्या होगा 2 to the power 2x+2। अब इसको इधर से इधर ले जाएगा क्या होगा 7x-2 इधर से क्या आ जाएगा आपका 2 to the power 3x। हम जानते हैं अगर कोई पावर नीचे प्लस होता है तो ऊपर क्या होता है माइनस होता है, यहाँ पे प्लस है तो ऊपर क्या होगा आपका माइनस होगा। तो यहां से क्या कर देंगे 7x-2 2 to the power 2x+2-3x यहां से क्या हो जाएगा आपका 7x-2 यहां से क्या होगा 2x-3x-x+2। फिर यहां से सॉल्व करते हैं, यहां से क्या लिख सकते हैं 7x into 7 to the power -2 अलग अलग कर दिए, यहां पे 2 to the power -x into 2 to the power 2 इसको इधर ले आओ 7x डिवाइड कर दो 2 to the power -x और यहां से क्या हो जाएगा ये आपका 2 to the power 2 डिवाइड बाय 7 to the power -2 यहां से क्या हो जाएगा आपका 7x ये ऊपर जाएगा क्या होगा 2 to the power x ये 2 to the power 2 है और 7 to the power ये भी ऊपर जाएगा क्या होगा प्लस 2 होगा। अब देखो यहाँ पे क्या पावर सेम है, पावर सेम है बेस क्या हो जाएगा ऐसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे क्या है यहाँ भी वही स्थिति पावर सेम है 2 into 7 to the power x इसे लिख सकते हैं 7 into 2 ये 14 to the power x यहाँ पे क्या होगा 14 to the power 2 यहाँ से 2 यहाँ से 14 to the power अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं x = 2 क्योंकि यहाँ पे 14 है यहाँ पे 14 ऊपर पे बेस दोनों का सेम है पावर क्या होगा सेम होगा x = 2 इसका आंसर क्या होगा x = 2। शॉर्टकट क्या बनाना है इस टाइप इक्वेशन में आप क्या करना रेंडम पुट करो जनरली जो वैल्यू होता है x = 0, 1, 2 देखो अगर आप ऐसा करके देखोगे या x = -1, x = -2 इसी में एयरफोर्स सब में जनरली यही होता है अगर मैक्सिमम x = -3 तो अगर ऐसा पुट करके देखेंगे तो हम x = 2 पुट करके देखते हैं 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 0 बराबर नहीं होता है अगर पुट करोगे तो अगर x = 2 पुट करो पुट x = 2 अगर आप हिट एंड ट्रायल में 2 into 3 to the power 3 into 2 into 7 2 to the power -2 4 2 plus 1 यहाँ क्या 2 to the power 6 ये तो 0 हो जाएगा 4 to the power 3 2 to the power 6 को क्या लिख सकते हैं 2 into 3 ऐसे लिख सकते हैं ये तो 1 हो गया 4 to the power 3 देखो क्या होगा 4 to the power 3
इक्वल टू 4 पावर 3 बराबर x इक्वल टू 2 होगा। तो ये शॉर्टकट हो गया। आप जनरली 1 2 अगर आपको सॉल्व करना है ठीक है, अगर आपको सॉल्व नहीं करना तो 1 2 3 0 1 2 3 -1 -2 -3 पुट कर लो, इसमें से कोई ना कोई जनरली n फोर से r की वैल्यू में आ जाएगा। इसका आंसर क्या है, x = 2। हमने यहाँ से क्या सीखा, अगर बेस सेम है a और b, a पे पावर x है, b पे पावर x, आपको पहले ही बताया a * b पावर x जिसका हमने अप्लाई किया था 2 पे पावर x 7 पे पावर x, इसको क्या है 2 * 7 पे पावर x। उसी तरह से दूसरा हमने क्या बताया, दूसरा बताया कि अगर आपके नीचे है इसको फॉर्मूला, अगर a पे पावर x है ऊपर जाकर नीचे प्लस है ऊपर माइनस होगा, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर क्या होगा प्लस होगा, जिसके वजह से आपका 7 पे पावर -2 1/7 पे पावर -2 क्या होता है 7 पे पावर +2 या 2 पे पावर 2 1/2 पे पावर 2 क्या होगा 2 पे पावर -2। इस तरह से समझ गया। तो यही था आपका एक छोटा सा क्वेश्चन था जो एमयू एंट्रेंस के लिए भी है, डिप्लोमा बिहार डिप्लोमा के लिए, एयरफोर्स अग्निवीर हर किसी के लिए। अगर आपको अच्छा लगा सॉल्यूशन प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं या इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और टेलीग्राम कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे चैनल प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करें।